Hi guys, hope you all are doing well. This is me, H. Joshi, and you are watching me on the channel of Achievai. So here it is 18th of August 2020 and we are going to take today's The Hindu News Analysis. जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली कहती हूँ अपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि हम वो सारे आर्टिकल्स लेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपको लगेगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन से आर्टिकल है, हमें क्या पता चलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेरी आती है कि उनसे पूरा न्यूज़पेपर, वो भी इंग्लिश का पढ़ने में थोड़ी इशू आता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं या इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, और तो उनके लिए द हिंदू थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है पढ़ना, है ना। तो उसी से रिलेटेड हम सारे आर्टिकल्स जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो सारे आर्टिकल्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं एक न्यूज़पेपर में, अप्रॉक्सीमेटली 40-50 आर्टिकल्स कैरी करता है एक न्यूज़पेपर, बट दिस इज़ अ फैक्ट, इवन इससे ज़्यादा ही करता होगा, लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो सारी न्यूज़ जो है वो एक एस्पिरेंट के लिए या एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, वी डोंट हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, वी जस्ट हैव कंसर्न अबाउट द पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ और गवर्नेंस इशूज़। Other than this, we have concern regarding economics issues and of course regarding science and technology as well as the judicial or some issue like that can become in as a question in your examination. Okay, so उसी तरह का एक first जो article आज हम discuss करेंगे वो इसी तरह का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी contempt of court से related matter बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, और प्रशांत भूषण जी ने माफ़ी भी मांगी है और समथिंग काफ़ी कुछ ये मैटर चल रहा है। सो व्हाट इज़ कंसर्न हेयर बेसिकली, कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी जुडिशियल एक्टिविस्ट है, मतलब जुडिशियल पर्सन है, चाहे जुडिशरी आप मान लीजिए, जैसे CJI पर कमेंट किया उन्होंने, तो फिर CJI है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, चीफ जज है, तो उनके अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट देना अपने आप में कंटेम्प्ट है ना। तो कंटेम्प्ट ऑफ लॉ की बात यहाँ पे की गई है। इफ़ अब क्या कहा है उन्होंने कि अगर ऐसा कुछ भी घटित होता है तो उसके अगेंस्ट जो इश्यूज होंगे उस पर CJI पूरी तरीके से डिटेल स्टडी करेगा। अब किस तरह के मुद्दा पे करेगा, कैसे डिटेल स्टडी करेगा, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स ऑन जुडिशियल करप्शन आर मेड इन पब्लिक, अंडर व्हाट सरकमस्टेंसेस कैन दे बी मेड। पहली चीज़ कि अगर पब्लिक के अंदर किसी भी मैटर को लेकर, जुडिशियल मैटर है, उससे रिलेटेड जुडिशियल करप्शन पे डिस्कस किया जाता है या कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो पहली बात तो वो किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होगी। उसके बाद में वो दे दिया है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, क्या सरकमस्टेंसेस रहे हैं जिसके कारण ये स्टेटमेंट आया है। जैसे कि जनरली जैसे CAA का अभी काफ़ी इशू चल रहा था, तो लोगों ने जुडिशरी को बहुत अपोज़ किया, है ना, जुडिशरी को बहुत ज़्यादा अपोज़ किया लोगों ने, लेकिन उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नहीं कर सकती थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी नहीं हो सकता था। उसका रीज़न क्या है कि जो सरकमस्टेंसेस थे, अकॉर्डिंग टू दो सरकमस्टेंसेस दे कांट, आई मीन द अपोजिशन ऑफ पब्लिक इज़ नॉट दैट मच रॉन्ग एंड द जुडिशरी कांट, आई मीन यू नो, पुश द पब्लिक टू बी शट देयर माउथ, जुडिशरी कांट डू दिस, दे हैव टू बेयर द सिचुएशंस, दे हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पब्लिक। But here, when an individual is giving these type of statements, then what will be the reason behind this? And if a group of people is also doing the same statements or doing the same, positions or whatever we can say they can do, the like strikes and all, then what is the basic reason behind this? Why the public is giving this negative statement regarding judiciary? So, Supreme Court will go through it, okay? The next is the procedure to be adopted if such statements of corruption are made in public against sitting as well as retired judges. What is here? The procedure to be adopted if agar pura
प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा अगर जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो करप्शन पर बेस्ड है और पब्लिक में बैठ करके रिटायर्ड जज के अगेंस्ट दिया जा रहा है या करप्शन पर बेस्ड कोई स्टेटमेंट पब्लिक में बैठ कर दिया जा रहा है, तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स होंगे उनके ऊपर पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. इट मीन्स नाउ व्हेन इट कम्स टू इट्स ओन देन सुप्रीम कोर्ट इज दैट मच स्ट्रिक्ट अगेंस्ट यू. ओके एंड इट इज़ टू बी दे शुड बी, आई मीन सुप्रीम कोर्ट को होना पड़ेगा बिकॉज जुडिशरी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे देश की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है ना. तो उसके बेसिस पर दे वी कांट गो थ्रू दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स एट ऑल. वी डोंट हैव एनी राइट्स टू गो थ्रू इट. व्हेन सम मैटर इज सब जुडाइज टू व्हाट एक्सटेंट कैन द मैटर बी आर्ग्यूड थ्रू द मीडिया और अनादर मोड. अगर कोई मैटर है जो सब जुडाइज है तो उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट क्या मीडिया में किया जा सकता है, क्या ये मैटर ऐसा है जिसे मीडिया में आर्ग्यू किया जा सके या कोई दूसरे मोड के थ्रू उसे आर्ग्यू किया जा सके, जैसे किसी AA है या और कोई ऐसे जुडिशियल मैटर्स है जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कोई ऐसा जुडिशियल अमेंडमेंट हुआ है या कुछ भी जैसे 370 वाला आर्टिकल 370 वाला था, तो उस मुद्दे के ऊपर यदि कोई स्टेटमेंट आ रहा है या कोई अगेंस्ट में कुछ एक्शन हो रहा है जुडिशरी के अगेंस्ट, या मान लीजिए कि जो स्टेट या जुडिशरी ने जो स्टेटमेंट दिया है या जो अपना जो हम कह सकते हैं कि जजमेंट सुनाया है उसके अगेंस्ट कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है या कोई भी अपोजिशन में है खड़े, तो उन अपोजिशन के बेसिस पर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कारण क्या है, क्या ये वैलिड है या नहीं है, क्या हमें इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए किसी वे ऑफ सोशल मीडिया और मीडिया और अनादर किसी भी वे से, क्या हमें इसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्यों रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो इस पर्टिकुलर जजमेंट में डिसाइड की गई. ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की है दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल दीज प्रोसीजर्स सो दैट कोई भी इशू कॉम्प्लिकेशन जो है जुडिशियल से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई फॉल्स स्टेटमेंट आगे हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले. ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज का. सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टडी कंटेक्स्ट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया है या उन्होंने जो डिसीजन सुनाए हैं उससे रिलेटेड. ठीक है, अब हम बात करेंगे या नीट JEE वोंट बी पोस्टपोन सेट सुप्रीम कोर्ट. मैं आपको बता देती हूँ कि नीट JEE को लेकर काफ़ी जो है रिट्स लगी थी, एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, काफ़ी कुछ देखा गया था, हमने देखा था पिछले दिनों. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. एंड जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है उससे आगे हायर अथॉरिटी कुछ भी नहीं होती. तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीज़न है कि नीट JEE के एग्ज़ाम जो है वो आगे पोस्टपोन नहीं होंगे, दे आर गोइंग टू टेक इट. ओके एंड मैं आपको बता देती हूँ ये एग्ज़ाम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये, तो उससे रिलेटेड अगर बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो उन्हें एज ऑफ नाउ जैसे ऑलरेडी हम ऑलरेडी COVID-19 से रिलेटेड काफ़ी सर्कमस्टेंसेस देख चुके हैं, काफ़ी इश्यूज देख चुके हैं, इन सबको देखते हुए आगे और पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. COVID-19 तो चलता ही रहेगा, लेकिन क्या हम उसके लिए उसको ओवर करने के लिए और ज़्यादा वेट करेंगे क्या, और आप अगले साल तक वेट करने को रेडी है क्या अगर COVID-19 चलता रहा तो. यही स्टेटमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जो है पेटिशनर से पूछा कि COVID-19 चलता रहेगा, आप नेक्स्ट ईयर तक के लिए वेट करेंगे क्या, इट मीन्स क्या आप रेडी हैं अपने खुद के करियर से खिलवाड़ करने के लिए. आर यू नॉट डिमांडिंग दैट द कोर्ट शुड बी ओपनड अप एंड कोविड. डू यू सी दिस ग्लास पार्टीशन फिक्स्ड हेयर बिटवीन जजेस इन द कोर्ट व्हेन वी आर गेटिंग रेडी टू ओपन अप. यू से एग्जाम्स शुड नॉट बी हेल्ड. जिस समय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट्स भी ओपन हो जाए, इवन सारी एक्टिविटीज़ ओपन हो जाए, कोर्ट से आप नहीं चाहते कि कोर्ट ओपन हो, जजमेंट्स हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कंटिन्यू, हम अपने आप को ओपन कर रहे हैं, कोर्ट्स ओपन कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद भी आप ये चाहेंगे कि एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन हो. देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ
पेटिशनर्स जो जो स्टूडेंट्स ने पेटिशन लगाई थी कि नीट जी के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए, तो उन पेटिशनर्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उन पेटिशनर्स को बता दिया जाता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, बिकॉज़ COVID-19 तो चलता ही रहेगा। तो क्या हम उसके लिए बैठे रहेंगे? हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दें? और अच्छा, और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़, जैसे कि आप बात कर सकते हैं मैरिज वैरिज हो रही है, या हम बात कर सकते हैं कि जो ऑफिस चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, सारी स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या इस तरह एग्ज़ाम्स को रोकना अपने आप में आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? और क्यों रोकना चाहिए हमें? क्योंकि COVID-19 तो ऑलरेडी कंटिन्यू है। उन सबको देखते हुए वी शुड गो थ्रू द एग्ज़ामिनेशन एंड वी शुड नॉट स्टॉप इट हियर। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। जस्टिस अरुण मिश्रा सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दी स्टूडेंट्स ऑफ जेईई नीट, वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग द कोर्ट्स एंड वी आर स्टार्टिंग द वर्क। सो इफ यू वॉन्ट द कोर्ट शुड बी ओपन, इफ यू वॉन्ट द कोर्ट शुड वर्क, लॉयर शुड वर्क, जजेस शुड वर्क, देन वाई डोंट यू गो थ्रू द एग्जामिनेशन? वाई यू वॉन्ट द एग्जामिनेशन शुड बी स्टॉप्ड? ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड डिसीजन ऑफ इट। द नेक्स्ट इज एंड ऑफ अ रन, इट इज़ ऑल अबाउट धोनीज रिटायरमेंट, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक एंडिंग ऑफ एन एरा, एंड ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है। सो वॉट इट इज़, धोनीज रिटायरमेंट मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा इन विच इंडिया वॉन ऑल द बिग वंस। जितने भी क्रिकेट में हमने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं इन दिनों, वो सभी धोनी पर बेस्ड है। तो धोनी जी का रिटायरमेंट, आई मीन धोनी का रिटायरमेंट होना अपने आप एक बहुत बड़ा सदमा है इंडिया के लोगों के लिए। जैसा कि मैं भी देख रही हूँ काफ़ी दिनों से, सोशल मीडिया ले लीजिए या आप पर्सनली लोगों से, जब मैंने बात की काफ़ी लोगों से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दे आर ऑल्सो इन वेरी वेरी सॉरो मूड, एंड उन्हें लग रहा है कि ये बहुत गलत हो गया है। तो समवेयर या आना जाना लगा रहता है, लेकिन हाँ, एक कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसका अपीयरेंस इतना ज़बरदस्त हो, जिसका एंट्री इतनी खतरनाक हो, और जिसने इतने शानदार लेवल पे क्रिकेट को ले जाया है अपने इंडिया के, तो उस लेवल पे उस पर्सन से कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट ऑब्वियसली हो जाता है ना? द क्रिकेट इन इंडिया हैज़ ऑफन बीन लिटर्ड विथ स्टीरियोटाइप्स, मच एकिन ऑफ द और टू द ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक। द गेम वॉज रिड्यूस्ड टू द ट्रूप्स ऑफ विस्की बैट्समैन एंड मैजिकल स्पिनर्स। द स्पोर्ट वॉज ऑल्सो ब्लिंकर्ड टू एंशियंट जियोग्राफिकल कॉन्टोर्स, often linked to royalty and or the erstwhile British presidencies of Bombay, Madras and Calcutta. Despite these boxy references, Kapil Dev emerged as an all-rounder and from Haryana, and after him it was Mahendra Singh Dhoni's turn to stun the pundits. Basically here what is happening, ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी इंडिया के अंदर चल रही है, इंडिया अपने आप में क्रिकेट को लेकर एक बहुत कहते हैं खतरों का खिलाड़ी रहा है। हम लोग बिल्कुल रोप पे रहते हैं, लाइक कभी भी लुढ़क सकते हैं और कभी भी पार कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस हमारी। और अच्छा, रोप जैसी कंडीशन, मतलब हम क्रिकेट में अपने आप को बेस्ट प्रूव करते हुए भी, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे आते हैं जो हमें टॉप पर लेके जाते हैं, है ना? तो उनमें जैसे अपने आप में कपिल देव रहे हैं अपने टाइम के अंदर, और क्रिकेट का जो जोश है वो आप बहुत पहले से देखेंगे। लाइक आपने लगान में देखा होगा, मतलब ब्रिटिश एम्पायर जिस समय था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास, कोलकाता, तो इन प्रेसिडेंसीज के समय भी बहुत जोश था इंडिया के अंदर क्रिकेट को लेकर। तो जब उस समय भी हमारे अंदर जोश होगा, तो ऑब्वियसली अभी तो बनता है। कपिल देव जो है वो एक ऑलराउंडर के रूप में आए हरियाणा से, और फिर उनके बाद में आ गए महेंद्र सिंह धोनी, है ना, जिन्होंने हिला के रख दिया सबको। नाउ हेलिंग फ्रॉम झारखंड, नेवर प्रीवियसली नोन फॉर इट्स प्रूवीज इन द विलो गेम, या वेट अ मिनट, ओके, धोनी कैप्ट डिसमेंटलिंग क्लिचेस एज ही बिल्ड अ स्प्लेंडेड करियर दैट डिफीट ऑड्स एंड टेक्निकल बेंच मार्क्स। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल शो किया दैट ही इज़ ऑड वन आउट, ही इज़ जस्ट, वो क्रिकेट को इस
उस एक चरम पे ले गए कि जहां इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती कि क्रिकेट को इस लेवल पर भी ले जाया जा सकता है ना। द नेक्स्ट इज एज अ बैट्समैन एंड विकेट कीपर एस्थेटिक्स वॉज नॉट हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट बट सुप्रीम एथलेटिसिज्म इन इट टैलेंट एंड अ काम हेड एंड रिमार्केबल इफेक्टिवनेस इन द क्रंच मेड हिम एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। बेसिकली उनका बहुत अच्छा वो नहीं रहा है विकेट की एज अ विकेट कीपर या बैट्समैन, उनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनके नहीं रहे हैं, बट उसके बाद भी उन्होंने अपने टैलेंट को इस तरीके से नेट किया कि फाइनली वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं क्रंची इफेक्ट के साथ में आ गया है और अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। इफ देयर वॉज अ पैटर्न टू हिम इट वॉज हिज अनप्रडिक्टेबिलिटी बी इट द वे ही डील्ड विथ अपोजिशन बॉलर्स, वो अपोजिशन बॉलर से जिस तरीके से डील किया करते थे। लेट इंडिया एंड टाइम्ड आउट ऑफ गुड बाइज फॉर टेस्ट इन 2014 और लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल क्रिकेट दिस सैटरडे। इस सैटरडे को जो है ये टाइम आउट होने वाला है, गुड बाइज कहेंगे हम लोग उस पर्सनालिटी को जिसने हमें 2014 के टेस्ट दिए हैं, लिमिटेड ओवर्स दिए, मतलब लिमिटेड ओवर्स दिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो उस पर्सन को दिस समय, ये समय आ चुका है जब हम जो है गुड बाय कहने का टाइम आ गया। इन द फर्स्ट इंस्टेंस द BCCI इशू द स्टेटमेंट एंड इन द सेकेंड द फॉर्मर इंडियन कैप्टन पिंग्ड इंस्टाग्राम एज हिज मीडियम। अगर बात करें तो BCCI ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया उनके मतलब महेंद्र सिंह धोनी जी के रिटायरमेंट का, उसके बाद में उन्होंने खुद से अपने आप को इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया। द इनिशियल रिएक्शन ऑफ ओवरवेलमिंग शॉक क्विकली बिकेम एन आई एम सॉरी फॉर दिस या क्विकली बिकेम एन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज क्वर्क्स एंड दैन इट सन्क इन एन एरा हैड एंडेड इन इंडियन क्रिकेट। अचानक से बड़ा बहुत बड़ा शॉक लगता है जब मीडिया सोशल मीडिया पे और BCCI के स्टेटमेंट पे हमें देखने को मिलता है दैट महेंद्र सिंह धोनी इज गोइंग टू बी रिटायर्ड, संन्यास ले रहे हो। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका सा लगा हमें इस चीज़ का, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट अ गोल्डन एरा इज गोइंग टू बी व्हाट कैन आई से इज गोइंग टू बी एंड इन इफ सौरव गांगुली हेल्प्ड इंडिया टाइड पास द मैच फिक्सिंग क्राइसिस ऑफ 2000, धोनी टुक हिज साइड टू ग्रेटर हाइट्स एंड इंडिया बिकेम द नंबर वन टीम इन टेस्ट ड्यूरिंग 2009। अगर हम बात करें तो सौरव गांगुली ने हेल्प की इंडिया को कि वो पुराने जो मैच फिक्सिंग क्राइसिस से लेकर के बाहर आए उन्हें, एंड उसके बाद में जो है धोनी ने सॉरी क्रिकेट को एक अलग मोड़ पे ले जाके खड़ा किया और फिर अल्टीमेटली 2009 तक जाते जाते इंडिया जो है वन टीम, एकमात्र ऐसी नंबर वन टीम बन गई जो कि टेस्ट मैचेस में टॉप कर रही थी। बट इट वॉज ODIs एंड 2020s दैट एनहेंस धोनीज ओरा, लेकिन धोनी के इस ओरा को जिसने उसे टेस्ट मैच तक ही जो है जकड़ के रख लिया था उससे बाहर निकाल के इस ओरा को धोनी ने और ज़्यादा फैलाया, स्प्रेड किया जब ODIs और 2020s के अंदर उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। इट वॉज इन द अब्रिज वर्जन्स दैट ही वॉज एट हिज सुप्रीम बेस्ट flexing those helicopter sixes and effecting mind-blowing stumpings, being astute in his field placement, running between wickets seemingly at the speed of light and making his men believe that they could win big trophies. अपने आप में जिस तरीके से उन्होंने bowling, stumping, जिस तरीके से helicopter sixes दिए हैं उन्होंने, उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने प्लेसमेंट फिक्स किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स जो है फुल स्पीड से भागते हुए विकेट्स को गिराया है, जिस तरीके से उन्होंने मतलब परफॉर्म किया, इट इज़ जस्ट लाइक वी कैन विन द वेरी बिग ट्रॉफीज एट ऑल, इट इज़ नॉट आर लिमिटेशंस, हम इससे भी बड़े बड़े ट्रॉफीज़ को जीत सकते हैं। और फिर हमने कोर टाइटल्स गेट किए जिसके अंदर हमने 2007 2020 जो है वर्ल्ड कप जो है 2011 में वर्ल्ड कप लिया, 2012
2020 लिए वर्ल्ड 2020, 2007 में, 2013 के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, इन सब में तो लगा जैसे क्रिकेट अपने एक अलग ही मोड़ पर जाकर खड़ा हो चुका है। तो अल्टीमेटली बात करें तो धोनी वो सच अ पर्सन जिन्होंने अपने आप को एक बहुत टॉप पर ले जाके खड़ा किया, एंड ही प्रूव्ड दैट व्हाट ही इज़, ही लिटरली प्रूव्ड दैट देयर वाज एन अर्थी इंटेलिजेंस अबाउट हिम, एंड ड्यूरिंग हिज ईयर्स एज अ स्किपर एट टाइम ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉरिडोर एंड गिव अ पेप टॉक टू द यंगस्टर्स। He had his unique style and Indian cricket will be poorer without him. Definitely it is a fact that Indian cricket is actually poorer without him. He though at 39 the sands of time were running out for him. Dhoni the cricketer would still be in vogue as a Chennai Super Kings captain in the imminent IPL. In the coming years those IPL days will dwindle, but his permanence in the pantheon of cricketing greats is assured. So it is all about Mr. Dhoni, who is going to be retired, or I can say what I can say about it, but here I don't want to say about it. And this is the end of a run, this is the end of a personality, this is the end when we are not going to see a person who is cracking everything in the field, in the stadium. The crowds will be shorted, and I don't know what is going to be next, but here the impact of Dhoni's retirement will be on peak. Even I can see as of now, then how can I expect that everything will be normal as soon as possible? So it is practically possible that, not possible, it will happen that the presence of Dhoni will be this eyes will be blinking when someone are playing like a Dhoni. Okay, the next article is the better test. A better test, what it is, India should quickly adopt the rapid, inexpensive and sensitive saliva test. Jaisa ki maine aapko bataya tha, kal discuss kiya tha humne, saliva test launch karne wale hain, aur saliva test aisa test hai jiske तहत बहुत जल्दी और 99.99% तक एक्यूरेसी के साथ में, और बिल्कुल भी इनएक्सपेंसिव नहीं है, और रैपिड और बिल्कुल सेंसिटिव टेस्ट है सलाइवा टेस्ट, जिससे आपका जो है हर कोई इंसान खुद अपना टेस्ट ले पाएगा। 15 अगस्त को 6.5 मंथ आफ्टर द फर्स्ट नोवल कोरोना वायरस केस, जो फर्स्ट नोवल कोरोना वायरस केस कंट्री में आया था उसके करीब 6.5 महीने बाद पहली बार इंडिया ने जो माइलस्टोन क्रॉस कर दिया 50,000 डेथ्स के साथ में। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस सैटरडे को अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मिलियन रिकॉर्ड किए गए थे। सो इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग द मोस्ट फ्रेश केसेस इन अ डे इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा केसेस जो है हमारे इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, 2 अगस्त से कंटिन्यू यही सिलसिला चला आ रहा है। मोर देन द टोटल डेथ टोल नाउ 51,045। What is troubling is the shorter time taken for the death toll to double. सबसे बड़ी चीज़ जो परेशान कर देने वाली है वो ये है कि death toll जो है बहुत ही कम समय में double हो चुका है ना। The toll counts approximately 25,000 on July 16 and doubled over the 50,000 in just 30 days. It is certain that here is some extent of under reporting of deaths across the country, and especially when deaths have occurred outside the healthcare system. For instance, reporting of COVID-19 cases and deaths of states by or such as Gujarat, West Bengal and Telangana have been suspected right from the beginning. The pandemic defying trend seen in these states is in stark contrast to the rest of the country. No combination of factors can explain the low daily mortality figures in Gujarat, Telangana. In fact, in the last 1 month, the death toll on any single day in Telangana has never crossed 15 and has been in single digits on many days. Okay, the state even, okay, yeah, if we will talk about it, agar ye pure article ki baat kare, to basically ye aapko ye batayega ki kis tarike se cases jo hai continuously, ek portion to hum already study kar chuke hain.
और दूसरे वाले पोर्शन की भी बात मैं ओवरऑल डिस्कशन ले लेती हूँ, जिस तरीके से कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कंट्री के अंदर, तो इसके अंदर पूरा सिनेरियो बताया कि फर्स्ट डे से लगा के अब तक किस तरीके से केसेस बढ़े हैं, किन किन कंट्रीज़ ने हाईएस्ट लेवल पे स्पाइक परफॉर्म किया है, किस कंट्रीज़ ने बीच में एकदम से लो हो गई थी लेकिन फिर बाद में अचानक से काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, किस तरह डेथ केसेस जो है वो मैक्सिमम लेवल पे जा रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया जो है डेली केसेस जो आउट हो रहे हैं उसके अंदर टॉप कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल इसी पर कैरी कर रहा है कि अब जो याले यूनिवर्सिटी ने जो एक स्टेटमेंट दिया है और एक ये जो निकाला है सलाइवा टेस्ट, इस तरीके से ये टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है कि आप घर पे भी इसे कंडक्ट कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप COVID-19 पॉजिटिव हैं या नहीं, और बिल्कुल 99.9% तक पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब वो रिज़ल्ट देगा जो फैक्ट है ना, पॉजिटिव मतलब वो रिज़ल्ट देगा जो फैक्ट है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आपको घर बैठे बहुत ही रैपिड रिज़ल्ट देगा, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट देगा, और सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट है, सेंसिटिव टेस्ट है, सो वी आर वेटिंग फॉर इट दैट कब जल्दी से जल्दी ये आता है, एंड ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है जो कि याले यूनिवर्सिटी ने दी है, एंड वी आर वेटिंग फॉर इट बिकॉज अब इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया को इन टेस्ट को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और जो स्टेट्स से जो है कर रहे हैं, जो स्टेट्स इसे रेगुलेट कर रहे हैं उन स्टेट से कॉन्टेक्ट करते हुए हमें इन टेस्ट किट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज वी नीड टू गो थ्रू इट, एंड वी आर इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इवन वर्ल्ड लेवल पे टॉप कर रहे हैं केसेस जहाँ स्पाइक आउट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो उस बेसिस पर वी हैव टू वर्क फॉर इट। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज जुरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली, इन द प्रोसिक्यूशंस इशू द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एक्ट have not been consonance with the Supreme Court's 2018 ruling। ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है। ये आर्टिकल मैं जान पूछ के आपसे डिस्कस नहीं करी क्योंकि अगर मैंने डिस्कस कर लिया तो आप इसे स्टडी नहीं करेंगे, आप रीड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसे प्रेजेंटेशन में इसीलिए लिया है जिससे कि आपको पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेट लेवल पर जो है गवर्नर इश्यूज जो चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जो गवर्नर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जुडिशनल जो है जुरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको यहाँ डिस्कस किया है, यू आर गोइंग टू रीड अबाउट इट योरसेल्फ। ओके, द नेक्स्ट इज जुडिशियल रेमेडीज फॉर जम्मू कश्मीर नेट रेस्ट्रिक्शंस। जम्मू कश्मीर में जो नेट नहीं दिया जा रहा है, नेट रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है कि जो है ऑब्वियसली किसी एक स्टेट जिसे आप अब भारत का हिस्सा कहते हैं वहाँ पर नेट को रेस्ट्रिक्ट करना अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्टेड मैटर है। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट री एग्जामिन द गवर्नर्स वीक रीजन्स टू लिमिट द इंटरनेट। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट के जो कमज़ोर रीजन्स हम कह सकते हैं कारण रहे हैं, कमज़ोर कारण जिसके कारण गवर्नमेंट ने, अच्छा गवर्नमेंट ने खुद को जो है खुद के अगेंस्ट अपोजिशन को रोकने के लिए अगर ये स्टेप या ये पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं डिसीजन इम्पोज किया है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, सुप्रीम कोर्ट को ये जानना चाहिए, इसे एग्जामिन करना चाहिए, और जो ये इश्यूज़ है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं नेट लिमिट करने के, उसे जो है ओवरकम करते हुए डिसीजन आउट करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से केसेस को जो है मतलब नेट को वहाँ पे रोका गया है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेट इशू करने से, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या हैं, और बिजनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन, सभी चीज़ें हैं वहाँ पे और सभी चीज़ें अब लाइन आउट हो चुकी है। ऑब्वियसली एक तरफ तो जहाँ COVID-19 को लेकर खतरा चल रहा है तो उसको रिलेटेड सोशलिज्म पर बैंड लगा दिया गया पूरी तरीके से, उस बैन के साथ में नेट को भी रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, वी ऑल आर लिविंग फ्रॉम लव वर्क फ्रॉम होम एंड आई कैन से वी ऑल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, वी ऑल आर जस्ट कंडक्टिंग ऑल आर यू नो टाइम विथ कनेक्टिंग टू पीपल्स एंड टू वर्क फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग लाइक दिस, एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग और बींग पॉसिबल बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। So if we are going to connect, disconnect the internet or we are going to make it happen that we are not going to give a particular section or a particular area, I mean we are not giving the supplies to the particular section, what we are going to everyone, then this will definitely be a part of
आई कैन से द वीक रीजंस ऑफ एनी गवर्नमेंट. ओके, सो ये आर्टिकल पूरा उसी पर बेस्ड है कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण जम्मू कश्मीर में नेट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण वहाँ नेट सप्लाई नहीं हो रहा है इतने लंबे समय से, और उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में क्या इश्यूज़ गए हैं, क्या जजमेंट्स रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मैटर को अच्छे से जाँचने की, परखने की, और इस पर जो है हम कह सकते हैं जाँच करने की ज़रूरत है, और अगेन जो है हम कह सकते हैं नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, री इशू करने की ज़रूरत है इंटरनेट सर्विसेज को. ओके, तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है, जम्मू कश्मीर के नेट रेस्ट्रिक्शंस पर, तो यू शुड गो फॉर इट. इससे इसके अलावा मैंने आपको सारे आर्टिकल्स जो है डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के लिए, और इसके अलावा कोई आर्टिकल आपको लग रहा है कि रह गया है, वी नीड टू वर्क अबाउट इट, वी नीड टू रीड अबाउट इट, वी नीड टू नो अबाउट इट, देन यू कैन डेफिनेटली गिव मी अ कमेंट, आई विल लेट यू नो वॉट इट इज़ गोइंग ऑन. ओके, एंड डेफिनेटली हम उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर बींग विथ मी. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.